अगाड़ी जाऊं या पिछाड़ी, दाएं जाऊं या बाएं, ओहो यहाँ पे तो सारे घर एक जैसे हैं। क्लाइंट का फोन आ गया। हेलो सर, मुझे आपका घर नहीं मिल रहा। अगला बंदा कहता है कि ठीक है, मैं अपने सर्वेंट को भेजता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा स्पेशल है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि ओके सर, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूँगी। अब बताते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। ये है आंशु, जो कि मेडिकल इंटर्न है, पहला जॉब और उसका पहला दिन। तभी मिस्टर हसमुख वहीं पे आते हैं। आंशु उससे पूछती है कि आप मुझे लेने आए हैं ना, पेशेंट मेरा वेट कर रहा होगा, तो फिर चले। जब वो घर के अंदर पहुंचती है तो तभी हम देखते हैं कि मिस्टर एलर्जिक तो मज़े से सोया हुआ है। उसे देख के आंशु सोचती है कि अरे ये तो काफ़ी हैंडसम है, इसे कौन सी बीमारी हो गई। हेलो सर, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही टाइम लगेगा। मिस्टर एलर्जिक जिंदा होते हुए भी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा, पर आंशु तो अपना काम करके ही जाएगी। वो मेडिकल वेपन्स लेके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे खतरनाक मूड में देख मिस्टर एलर्जिक की तो नींद हराम हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। वो कहती है कि तुझे ठीक करने आई हूँ। वो कहता है कि चल भाग यहाँ से। वो कहती है कि सर, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे, प्लीज सर मुझे मजबूर मत करें। वो कहता है कि लड़की मेरे पास मत आना। वो कहती है कि सर, हमें इसकी भी ट्रेनिंग मिली है, मैं तो अपना काम करके ही जाऊंगी। दूसरी तरफ शोर शराबा सुन के मॉम परेशान होती है और कहती है कि 10 साल हो गए, मैंने अपने बेटे को छुआ तक नहीं, ना जाने वो कब ठीक होगा, उसकी एलर्जी कब ख़त्म होगी। तभी डॉक्टर शुशु आती है और कहती है कि हान फैमिली का घर यही है ना, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये बात सुन के मॉम सोचती है कि अगर मैंने इसे बुलाया तो फिर वो अंदर वाली कौन है। ओ मेरा बेटा मुसीबत में है, भागो। दूसरी तरफ रूम में मौजूद आंशु कहती है कि सर रुके, भागे मत, इससे दर्द नहीं होगा। वो कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी मिस्टर एलर्जिक स्लिप होके सोफे पे गिर पड़ते हैं। अब ये गिरा तो हीरोइन इसके ऊपर तो गिरेगी ना। तभी मॉम वहीं पे आती है और कहने लगती है कि ओ मेरे लाल, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ एक बात हम नोट करते हैं, वो ये कि आंशु के टच करने से मिस्टर एलर्जिक को कुछ नहीं हुआ, पर जब मॉम अपने बेटे को टच करती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसके स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। आंशु को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे क्लाइंट का फोन आता है, जिसके पास वो गई ही नहीं। वो लोग उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। डॉक्टर शुशु मॉम को साइड में ले जाके उससे कहती है कि बचपन में होने वाले इंसिडेंट की वजह से आपका बेटा ठीक नहीं हो पा रहा, इसे अपोजिट जेंडर से एलर्जी है। आपने अभी देखा ना, जब इस लड़की ने आपके बेटे को छुआ तो उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब कि यही लड़की आपके बेटे को ठीक कर सकती है। मॉम कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद मॉम आंशु को अपने साथ बिठा के उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मैं उसका सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ और तुम्हें भी 4 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगी, बस बदले में तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, उसके साथ रहो। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड हो? एक और बात, तुम स्टडीज की फिक्र मत करो, तुम दोनों साथ में पढ़ोगे। बेचारी आंशु ना नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। वो मान जाती है, पर मिस्टर एलर्जिक साफ इनकार कर देता है। वो कहने लगता है कि मॉम इसे यहाँ से गायब कर दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ये बात सुन के मॉम रोने लगती है और कहने लगती है कि ओ मेरे लाल, क्या मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, तुमसे भीख मांगूं, प्लीज मान भी जाओ ना। माँ तो फिर माँ ही होती है, वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। इस वाली मॉम ने भी यही किया। मॉम को रोते देख मिस्टर एलर्जिक मान जाता है। अच्छी बात है, कम से कम इसने अपनी मॉम को ब्लैकमेल तो नहीं किया ना। बहरहाल मॉम दोनों को स्मार्ट वॉच पहनाती है और उनसे कहती है कि
तुम दोनों हर रोज 9 घंटे एक दूसरे के आजू बाजू रहोगे, 1 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। बस इतना ही तुम दोनों को करना है, बाकी किस्मत पे छोड़ दो। आंशु सोचती है कि अब मुझे इस साइको की असिस्टेंट बनके इसके साथ रुलना होगा, मेरी तो लग गई। आंशु को मिस्टर एलर्जिक के आसपास रहना होगा, तभी तो 9 घंटे पूरे हो पाएंगे। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे ये सब पता नहीं था। वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, रिजाइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वो कहती है कि सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। वो कहता है कि ओके, तुम खुद ही भाग जाओगी, बाय। आंशु सोचती है कि तुझे तो मैं दिन में तारे दिखाऊंगी। आंशु को यहीं पे रहना होगा, ये तो ठीक है, पर इसे हर रोज मिस्टर एलर्जिक के साथ उसके हाई स्कूल भी जाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों स्कूल पहुंचते हैं, पर मिस्टर एलर्जिक आंशु से कहता है कि मुझे फॉलो मत करो, मुझसे 10 मीटर दूर रहो। आंशु इसकी बात नहीं मान सकती, अगर वो इससे दूर हुई तो ब्रेसलेट की घंटी बजने लगेगी। जब वो क्लास में इन होती है तो स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि इसे तो पहले कभी नहीं देखा, एक ही सीट खाली पड़ी है, वो भी मिस्टर एलर्जिक के बाजू वाली। क्लासमेट यूजिन आंशु से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे डिजर्ट शॉप में काम किया था। वो कहती है कि हाँ पॉसिबल है, मैंने बहुत सारे जॉब्स किए हैं, अब मुझे हान फैमिली वालों ने हायर किया है। वो कहता है कि लुहान तो अजीब सा है, अगर कोई छोकरा या छोकरी उसे टच करे तो वो चिल्ला उठता है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बैड बॉय है, बस उसके दिमाग के नट थोड़े लूज हैं। ये सब बातें लुहान सुन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर एलर्जिक आंशु को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। यही नहीं, वो आंशु को काफ़ी तंग भी करता है। रात को आंशु सोचती है कि उस गधे के साथ 9 घंटे बिताना काफ़ी मुश्किल काम है, आखिर उसे मुझसे मसला क्या है। वो जाती है लुहान के रूम और कहने लगती है कि बस 1 मिनट ताकि टाइम पूरा हो जाए, तुम बुरे नहीं हो, बस थोड़े से बीमार हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ओ 9 घंटे हो गए, अब मैं चलती हूँ। आंशु मिस्टर एलर्जिक से कहती है कि मैंने ट्रायल पीरियड आसानी से पास कर लिया है। वो कहता है कि तो मैं क्या करूं, क्या मैं तुम्हें माला पहनाऊं या मैं नाचूं, मेरा मूड खराब है, दफा हो जाओ। वो कहती है कि रुक मिस्टर अकड़ू, तुम मुझे अपना ब्रेसलेट क्यों नहीं दे देते, इस तरह ना मैं तुम्हारे करीब आऊंगी और ना ही तुम्हारा मूड वा भी खराब होगा, तुम भी खुश और मैं भी। वो कहता है कि ओके, क्लास एंड होने से पहले अगर तुम मुझे बेटर फील कराओ तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। कितना मूडी इंसान है, कोई बात नहीं मैं ये करके रहूंगी, अगर इसका मूड तब्दील करना है तो पहले इस खड़ूस के बारे में जान लेती हूँ, मेरे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। एक और मुसीबत, शुशु आके उसे कहती है कि सुन आवारा लड़की, लुहान मेरा है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, बाय। आंशु मिस्टर एलर्जिक से पूछती है कि ये बाजू सीट वाली लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मेरा मूड खराब मत करो, ये लो ब्रेसलेट, अब जाओ मेरे लिए नूडल्स लेके आओ। मिशन सक्सेसफुल हुआ, ब्रेसलेट आसानी से मिल गया, लेकिन मिस्टर एलर्जिक तो नहीं सुधरा, वो आंशु को सुकून से बैठने नहीं देगा। बाद में लुहान शुशु से कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं कि तुम सबको बताती फिरो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, उस लड़की को तंग मत करो, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर एलर्जिक को पता चलता है कि आंशु ने जॉब अपनी मॉम की वजह से एक्सेप्ट की है, और जैसे ही उसकी मॉम ठीक होगी वो ये जॉब छोड़ देगी। रात को आंशु कहने लगती है कि तुमने मुझे परेशान कर रखा है, खुदा करे कि तुम्हें बुरे सपने आएं। उसी रात लुहान वाकई में डरावना सपना देखता है, लगता है कि इसे बचपन में किसी औरत ने किडनैप किया था। इसी इंसिडेंट के बाद से वो ठीक नहीं हो पा रहा। आखिर पास्ट कहानी है क्या, थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम को फील होता है कि उसके बेटे की तबीयत सही नहीं है। वो उससे कहती है कि तुमने फिर से कोई ख़राब सपना देखा है क्या। ये बात सुन के आंशु शॉक्ड होती है और सोचती है कि
हायला, क्या मेरी बद्दुआ ने असर दिखाया? स्कूल पहुंच के वो ये बात यूजिन को बताती है और कहने लगती है कि ऐसा भी होता है क्या? बदकिस्मती से इन दोनों की बातें लुहान सुन लेता है और कहने लगता है कि लाओ मुझे अपना ब्रेसलेट वापस करो। वो कहती है कि सॉरी, इस बात को जाने दो। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। गड़बड़ हो गई। इससे पहले कि बात और बढ़ जाए, बेचारी आंशु उसे ब्रेसलेट वापस करती है और उसे कहती है कि प्लीज गुस्सा थूक दो। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो मेरे आजू बाजू रहना, आजादी के दिन हुए खत्म। मिस्टर एलर्जिक रिवेंज लेने के मूड में आ गया। आंशु कुछ नहीं कर सकती, उसे इसका हर हुक्म मानना होगा। तो फिर चलो रात भर जागो और नोट्स बनाओ। आंशु इससे लड़ तो नहीं सकती, लेकिन इसे बद्दुआ तो दे सकती है ना। इस बार वो चाहती है कि इस गधे के एग्जाम्स में 0 मार्क्स आए। आंशु सारी रात जाके उसके लिए नोट्स बनाती है, इसी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों को फिर से एक साथ देख के शोशु काफ़ी जेलस होती है। फिर क्या, वो आंशु को क्लासरूम में लॉक करके वहाँ से भाग निकलती है। ये बात वो किसी को नहीं बताती। जब यूजिन आंशु को नहीं देखता तो उसे शक होता है। वो ये बात जाके लुहान को बताता है। फाइनली ये दोनों आंशु को ढूंढ लेते हैं। लुहान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। शुक्र है कि आंशु को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शोशु तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो लुहान का हाथ पकड़ के उससे कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। गड़बड़ हो गई, इसने तो लुहान को टच किया। आंशु लुहान से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो उसके हाथ में एंटी एलर्जिक स्प्रे लगाती है। प्यार की फीलिंग्स ने इन दोनों के दिल में घुसना शुरू कर दिया है। अब ये फीलिंग्स दिल के अंदर कब पहुंचेंगी और कितना टाइम लगेगा, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लुहान की मॉम अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहती है। आंशु भी यही चाहती है। 2 दिन बाद लुहान के डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं, ये तो राज की बात है जो हम आपको आगे बताएंगे। रात को सोने से पहले आंशु चिल्ला के कहने लगती है कि मॉन्स्टर लुहान, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। ये टास्क कम्प्लीट किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आइडिया, मैं रोज इसे 10-15 थप्पड़ मारूं तो इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ओए मैडम, होश में आओ, चल रही हो या और हंसना है तुम्हें। मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। आंशु, यूजिन और लुहान, इन तीनों के 0 मार्क्स आए हैं। एग्जाम वाले दिन ये तीनों एब्सेंट जो थे। सारी गलती शोशु की है। वही आके टीचर को सब कुछ बताती है। ये मामला तो खत्म हुआ, लेकिन आंशु तो परेशान है। वो कैसे लुहान की गंभीर बीमारी को ठीक करे। इसका सॉल्यूशन तो काफ़ी सिंपल है, आज से मिशन टच ट्रीटमेंट शुरू। पर ख़तरनाक बात यह है कि मिस्टर एलर्जिक आंशु को टच करने थोड़ी देगा। इस बात ने उसे परेशान कर रखा है। प्रेसिडेंट हान घर वापस आ गए हैं। फिलहाल तो वो चुपचाप हैं। आंशु सोचती है कि ये भी मूडी इंसान लग रहे हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। छोड़ो मुझे, क्या लुहान अकेला बैठा है, इसे टच करती हूँ। ओ मैं डर क्यों रही हूँ, ये इंसान है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं ना। आंशु सोचती है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था, आसानी से हो गया, मैं खामखा ही डर रही थी। मिशन टच ट्रीटमेंट जारी है। इस खड़ूस को टच करना मगरमच्छ को टच करने के बराबर है, संभल के रहना होगा। बचपन में आखिर लुहान के साथ क्या हुआ था, ये बात वो खुद भी जानना चाहता है, पर इसमें टाइम लगेगा। आंशु उससे कहती है कि तुम दुखी क्यों हो, मैं तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूं। आइडिया, चलो गेम खेलते हैं। हम दोनों इस बाइटिंग टॉय में अपना फिंगर रखेंगे, जिसने फिंगर पहले हटाया वो हार गया। रोमांटिक म्यूजिक चालू, दिल की घंटियां बजने लगीं और फिर लुहान ने हार मान लिया। कोई बात नहीं, आंशु तो खुश हुई, आज के लिए इतना ही काफी है। लुहान की मॉम आंशु को टैबलेट गिफ्ट में देती है और उससे कहती है कि
तुम अच्छा काम कर रही हो, एक बात और इसमें कुछ है, उसे ज़रूर देख लेना। ये क्या, इसमें तो आंशु और लुहान की फ़ोटो है, अब इसका मतलब क्या है? फिलहाल तो आंशु कुछ समझ नहीं पा रही। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूजिन क्लास से बाहर जा रहा होता है तो तभी आंशु का टैबलेट उसके डेस्क से नीचे गिर पड़ता है। वो उसे उठा के वापस रख ही रहा होता है कि तभी गड़बड़ हो जाती है। आंशु और लुहान की फोटो सभी क्लासमेट्स देख लेते हैं। फिर क्या, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्लासमेट समझने लगते हैं कि इनका कोई चक्कर चल रहा है। ये खतरनाक खबर सुन के शोशु को भी जोर का झटका लगता है। उसका शक अब यकीन में बदल गया है। दूसरों की उल्टी पुल्टी बातें सुन के आंशु तो थोड़ी सैड होती है, पर उसे ये बात परेशान कर रही है कि वो लुहान को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगी। उसके बाद जब क्लासमेट्स लुहान और आंशु के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं तो शोशु उनसे कहने लगती है कि तुम सब चुप कर जाओ, लुहान कभी भी उस लड़की को लाइक नहीं करेगा। मिस्टर एलर्जिक ये बात सुन लेता है और वो शोशु से कहता है कि तुम सही बोल रही हो, हमारे बीच कुछ नहीं है। क्लासरूम के दरवाजे पे खड़ी आंशु ये बात सुन लेती है और वो वापस लौट जाती है। उसी रात आंशु लुहान से कहती है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो टैबलेट मुझे। आंशु आगे कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि टैबलेट तो उसे लुहान की मॉम ने दिया था ना। लुहान उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ मेरे घर में कुछ टाइम के लिए आई हो और जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों इस बारे में सोचूं। ये बात बोल के वो चला जाता है। नेक्स्ट वीक स्कूल में सिंड्रेला डांस शो होने जा रहा है। आंशु की ख्वाहिश है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। यूजिन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो प्रिंस चार्मिंग बनके सिंड्रेला के साथ खूब नाचेगा, पर सिंड्रेला का रोल तो शुशु करने वाली है। क्या पता आगे चल के ये दोनों ही लवर्स बन जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि लुहान के दिल में प्यार की फीलिंग्स पहुंच चुकी है। दोनों के दिल की घंटियां तो बज रही हैं पर कोई पहल करने को तैयार ही नहीं। कब और कैसे होगा इनको प्यार, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अच्छी बात यह है कि लुहान पहले जैसा मूडी इंसान नहीं रहा। आंशु के आने के बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो अब खुश रहने लगा है। पर इन दोनों को एक साथ देख के शोशो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आंशु एक बार फिर से लुहान को प्रोटेक्ट करती है ताकि शोशो लुहान को टच ना कर पाए। अरे नहीं, ये क्या हो गया, शोशो तो इंजर्ड हो गई। इसका सिंड्रेला बनने का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। गलती की है तो अब भुगतो। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगता है कि आंशु की विश पूरी हो गई है। यूजिन उसे सिंड्रेला के रोल के लिए चूज करता है। आंशु इस बेहतरीन ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाती। फिर क्या, दोनों साथ में डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। ये खतरनाक नज़ारा देख के लुहान तो जल उठता है। वो आंशु से कहने लगता है कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम्हें और नाचना है तो नाचो, बाय। ये धमकी सुन के आंशु घबरा जाती है और नाच गाना छोड़ के उसके पीछे भागती है और उसे कहने लगती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं ये रोल करूं। वो कहता है कि तुम खुश हो ना, जाओ नाचो, मुझे क्या। उसी रात जब आंशु डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो तभी लुहान वहीं पे आता है और उसे कहता है कि टाइम तो देखो, बहुत नाच लिया, अब बस भी कर दो, रात बहुत हो गई है। ये बात सुन के आंशु सोचती है कि आंटी हान ने मुझे 10 मिनट का टास्क दिया था, अब मैं ये टास्क कैसे कंप्लीट करूँगी। वो सोच ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि लुहान रोमांटिक मूड में आ जाता है और उसे कहता है कि आओ साथ में नाचते हैं। लगता है कि मिस्टर एलर्जिक पैदाइशी डांसर है, तभी तो अच्छे से नाच रहा है। जब ये रोमांटिक न्यूज़ लुहान की मॉम तक पहुंचती है तो वो भागते हुए वहीं पे आ पहुंचती है। उसका बेटा ठीक हो रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की खबर उसके लिए क्या होगी। ये वाली मॉम तो वाकई में ग्रेट है, इसे अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं। मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा।
रात भर नाचने के बाद अगली सुबह आंजू लोहान को थैंक्स बोलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा डांस शो देखने आओगे। वो कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जलवा देखने का वक्त आ गया है, मतलब कि सिंड्रेला डांसिंग शो शुरू होने में चंद ही लम्हे रह गए हैं। एक हैंडसम बॉय जिसने कोरोना मास्क पहन रखा है वो भी इस शो को देखने आया है, पर दूसरी तरफ एक क्लासमेट चोरी छुपके से प्रॉप रूम में घुस जाती है। ये आंशु की सिंड्रेला ड्रेस को खराब करने आई है ताकि वो शो में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, पर जल्दी जल्दी में वो यूजन का ड्रेस छुपा के वहाँ से भाग निकलती है। ये शैतानी हरकत किसने की है जल्द ही पता चल जाएगा। यूजन को उसका ड्रेस नहीं मिल रहा, वो आंशु से कहता है कि तुम जाओ मैं देखता हूँ, ड्रेस यही कहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंशु स्टेज पे अकेली खड़ी हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यूजन को उसका ड्रेस नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लगता है कि सिंड्रेला का प्रिंस ट्रैफिक जैम में फंस गया है। इनकी तीखी बातें सुन के हैंडसम मास्क मैन स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। अरे वाह, ये तो मिस्टर एलर्जिक है। इस खानदानी डांसर को अच्छा मौका मिला है। बहरहाल इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आती है, सब क्लैपिंग करते हैं। मगर दूसरी तरफ जब ये न्यूज शूशू तक पहुंचती है तो उसके कलेजे नू ठंड पड़ जाती है। इसका प्लान तो इसके गले पड़ गया। आंशु की पर्सनल डायरी लुहान के पास है। ये डायरी उसे यूजन ने दी थी, उसे ये बैक स्टेज पे पढ़ी मिली थी। आंशु की डायरी में अपनी बुराइयां पढ़ के लुहान काफी प्राउड फील करने लगता है, पर दूसरी तरफ आंशु सोचती है कि बहुत जल्द लुहान की शादी होने वाली है, जैसे ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आंशु को यूजन की कॉल आती है, वो उसे डिजर्ट शॉप आने को कहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो यूजन को खुश देखती है और उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, कौन है जिसने तुम्हारे दिल में जगह बनाई है, मुझे जल्दी से बताओ। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो। डिजर्ट शॉप के बाहर मौजूद जासूस मिस्टर एलर्जिक सब कुछ देख रहा है, अब तो इसे अंदर जाना ही पड़ेगा। लुहान को देख के आंशु उसे कहने लगती है कि हाय बॉस, तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि मैं ये डायरी तुम्हें देने आया हूँ जो मुझे इसने दिया था। ये बात सुन के यूजन कहने लगता है कि तुम दोनों आजू बाजू रहते हो, मुझे लगा कि ये तुम्हें दे देगा। आंशु गुस्सा तो है पर वो कुछ नहीं कहती। वो लुहान से डायरी वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो उससे कहता है कि ऐसे कैसे बेसब्री लड़की, पहले मुझे कोई डिलीशियस सा कपकेक खिलाओ। फिर क्या, वो फटाफट से जाके कपकेक लेके वापस आती है। क्या वो चला गया? नहीं, वो नहीं गया। और फिर से रोमांटिक सीन, दिल की धड़कने तेज। मिस्टर एलर्जिक उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी इस डायरी में लिखी कुछ प्राइवेट बातें पढ़ ली हैं, मुझे लगता है कि हमें कैंपिंग पे जाना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें सॉरी बोला है ना, तो फिर जो हुआ उसे भूल जाओ। आंशु के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, मतलब कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये दोनों बोरिया बिस्तर पैक करके घर से निकल पड़ते हैं। आंशु थोड़ी सी नर्वस लग रही है, लगता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है। लुहान उससे पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम रुको मत, हमें सूरज ढलने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। ये दोनों होटल पहुँच गए, वो भी सही सलामत। ये क्या, जब आंशु लुहान को अपने रूम में देखती है तो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो कहाँ हूँगा। वो कहती है कि तो फिर मेरा रूम कहाँ पे है। वो कहता है कि एक ही रूम अवेलेबल था, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो जाके कार में सो जाओ। इस खड़ू से तो यही उम्मीद की जा सकती है।
उसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन में जब लुहान किडनैप हो गया था तो तब उसे किसी छोटी सी मुन्नी सी क्यूट सी लड़की ने आके बचाया था। आखिर वो लड़की कौन थी? इस सवाल का जवाब लुहान खुद भी जानना चाहता है। कहीं वो आंशु तो नहीं? हम सही बोल रहे हैं या फिर बकवास कर रहे हैं? बस थोड़ा सा इंतजार करें, ये राज भी जल्दी फाश हो जाएगा। अगली सुबह सी साइड के बाजू में टेंट लगाने के बाद आंशु की खोपड़ी में हलचल होने लगती है। वो सोचती है कि मैंने तो दो मैट्रेस कार में रखे थे पर यहाँ तो सिर्फ एक है, अब मैं क्या करूँ? आइडिया, मैट्रेस के बीचों बीच बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरफ मैं और उस तरफ वो। वो लुहान से कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करूँगी, तुम भी मत करना, समझे? इतने करीब मत आओ कि हम तुझे भुला ना पाए। जुदा होने के बाद हम कैसे जी पाएंगे? आंशु और लुहान एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। अब ये प्यार नहीं तो और क्या है? आंशु दुआ मांगती है कि लुहान जल्दी से ठीक हो जाए। इसे कहते हैं अच्छी और प्यारी सी लड़की। दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं, मतलब के फेयरवेल फोटो। उसके बाद लंबी जुदाई। बहुत हिंट दे दिए, अब आगे बढ़ते हैं। शुशु लुहान का पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गई। इसका दिल तो टूटा हुआ है, ये समझ चुकी है कि इसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लुहान उससे नहीं बल्कि आंशु से प्यार करता है। उसी रात लुहान यूजिन से कहता है कि अगर तुम शुशु को पसंद करते हो तो उसे अपने फीलिंग्स क्यों नहीं बता देते? वो कहता है कि अच्छा, ऐसे तो तुम भी आंशु को लाइक करते हो, फिर तुम क्यों अब तक चुप हो, उसे बता क्यों नहीं देते? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। सुन अमीरजादे, आंशु एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। लुहान कोई जवाब नहीं दे पाता। इसका मतलब ये हुआ ना कि योजन बिल्कुल सही बोल रहा है। शोशु आंशु को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, आज से हम फ्रेंड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लुहान बिल्कुल ठीक हो गया है, अब वो किसी को भी टच कर सकता है। पर आंशु थोड़ी सी सैड है, वो इसलिए कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। मगर दूसरी तरफ ड्रामे में एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम लिन शिन है। ये तो 10 साल बाद अब्रॉड से सीधा यहाँ पे लुहान से शादी करने के लिए आई है। दूसरी तरफ लुहान की एडवाइस पे अमल करते हुए यूजिन अपनी फीलिंग शुशु के साथ शेयर करता है। इनकी लव स्टोरी हुई कंप्लीट। उसके बाद जब आंशु और लुहान घर वापस लौटते हैं तो आंशु उसकी मॉम से कहने लगती है कि आंटी जी, आपके लिए सरप्राइज है, अब आप अपने बेटे को छू सकती हैं। फिर क्या, मॉम अपने बेटे से गले मिलती है और खूब रोने लगती है। ये सब आंशु की वजह से हुआ है। लुहान के बर्थडे पार्टी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आंशु सोचती है कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। उसी दिन जब लुहान लिन शिन को अपने घर देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, अगर तुम किसी से मिलने आई हो तो अंदर चली जाओ। ये बोल के वो चला जाता है। उसके बाद लुहान जाके मिलता है यूजिन से और उससे कहता है कि तुम सही बोल रहे थे, मैं आंशु से प्यार करता हूँ, मैं अपने बर्थडे पार्टी में उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आंशु डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे लुहान की बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। तभी लेडी हान आती है, वो उसे ब्यूटीफुल ड्रेस दे के कहती है कि तुम पार्टी में ये पहनना। ना चाहते हुए भी आंशु को उनकी बात माननी पड़ती है। रेड ड्रेस पहनना उसका ख्वाब था जो अब पूरा हो गया है, पर क्या फ़ायदा, पार्टी के बाद तो आंशु यहाँ से जाने वाली है। पार्टी शुरू होने से पहले हम लुहान को नर्वस देखते हैं। योजन उसे कहता है कि भाई फिकर नॉट, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया, आंशु तो पार्टी में मौजूद ही नहीं है, वो तो जा चुकी है। डैड लुहान से माइक लेके अनाउंस करते हैं कि उसके बेटे की शादी जल्द ही लिन शिन से होगी। ये न्यूज़ सुन के लुहान तो शॉक्ड होता है।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सारा मामला डैड ने बिगाड़ा है। वो आंशु से मिले थे, वो नहीं चाहते थे कि आंशु पार्टी में आए। उनको डर था कि अगर ये लड़की पार्टी में मौजूद हुई तो वो लुहान की मैरिज न्यूज़ अनाउंस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या, बेचारी आंशु उसी टाइम घर से चली गई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लुहान काफ़ी गुस्सा है। वो घर के अंदर जाके आंशु को तलाश करने लगता है, पर क्या फ़ायदा, वो उसे थोड़ी यहाँ पे मिलने वाली है। बहरहाल लुहान शांत नहीं बैठता, वो जल्द से जल्द आंशु से मिलना चाहता है। अच्छी बात यह है कि मॉम लुहान के साथ है। वो उसे कहती है कि बेटा तुम जाके उसे ढूँढो। फिर क्या, वो इसी मिशन पे लग जाता है। यूजिन और शोशु भी उसके साथ हैं। लुहान उनसे कहता है कि जैसे ही आंशु के बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। दूसरी तरफ हम आंशु को उसके घर में देखते हैं। वो कहती है कि लुहान तुम खुश रहना, दुखी मत होना। पर दूसरी तरफ लुहान तो सच में काफ़ी दुखी है। वो आंशु को काफ़ी मिस कर रहा है। पुरानी यादों को याद करके वो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी उसे यूजिन की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि भाई 2 साल पहले आंशु ने मेरे डिज़र्ट शॉप पे काम किया था, मुझे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल गया है, इसमें आंशु के घर का पता लिखा हुआ है, वो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। फिर क्या, ये न्यूज़ सुन के लुहान तो उसी टाइम वहाँ से निकल पड़ता है और सीधा पहुँचता है आंशु के घर। पर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वापस जाओ। तभी मॉम आती है और वो लुहान से मिलती है और उसे घर के अंदर चलने को कहती है। मॉम घर आए मेहमान को बिना कुछ खिलाए पिलाए भला वापस कैसे भेज सकती है। लुहान आंशु की मॉम से कहता है कि आंटी जी मैं आंशु के साथ बाजार जाके वेजिटेबल्स ले आता हूँ। शॉपिंग करने के बाद जब ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो तभी लुहान की नज़र पड़ती है एक बिल्डिंग पे। अरे नहीं, ये तो वही घर है जहाँ पे बचपन में उसे किडनैप्ड करके रखा गया था। फिर क्या, दर्दनाक पास्ट याद आते ही लुहान की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत देख के आंशु भी बहुत परेशान होती है और उसे हग करके कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही अंदाज, वही आंखें। लुहान आंशु से कहता है कि वो छोटी लड़की तुम थी जिसने मुझे बचाया था। वो कहती है कि हाँ। लुहान उससे कहता है कि थैंक यू, पर तुमने मेरी आधी ज़िंदगी बचाई थी, मुझे उस टाइम सड़क किनारे छोड़ के तुम कहाँ भाग गई थी। वो कहती है कि हेलो मिस्टर, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हें रोड पे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा था, तुम उस टाइम प्यासे थे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, जब मैं वापस आई तो तुम जा चुके थे। वो कहता है कि हाँ डैड मुझे यहाँ से ले गए, लेकिन जब मैंने सबको बताया कि मुझे एक छोटी सी लड़की ने बचाया है तो मेरी इस बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम है। वो कहती है कि ओ गजनी के औलाद, मैंने अपनी जान खतरे में डाल के तुझे बचाया था और तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारा वहम था। वो कहता है कि गलत मत समझो, मैं तुम्हें काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था, बिल आखिर तुम मुझे मिल ही गई। वो कहती है कि ओहो, तो तुम सच में मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिस्टर बेचैन, अब तुम्हें चैन आया? लुहान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। उसके बाद जब लिनशिन लुहान से मिलने उसके घर आती है तो वो उससे कहता है कि 10 साल पहले हमारे बीच जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसे कैंसिल करता हूँ। लिनशिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लुहान से कहती है कि तुम बहुत पछताओगे। फिर क्या, ये लड़की सीधा जाके आंशु से मिलती है, पर आंशु उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि तुम जल्दी ही जान जाओगी, इससे पहले कि कुछ बुरा होता। तभी वहाँ पे लुहान आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। लिनशिन कहती है कि ये लड़की कैसे मुझसे बेहतर है, इसने तुम पे कौन सा जादू किया है। वो कहता है कि तुम जो भी समझो, पर ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे ही चुनूंगा। वो कहती है कि ओके, पर एक बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उसके बाद होता कुछ यूं है कि लुहान शेन फैमिली के काले करतूतों को एक्सपोज करता है। बात यह है कि 10 साल पहले जब हान फैमिली ने अपनी एक फैक्ट्री को बंद कर दिया था, तब उन्होंने सारे वर्कर्स को ले ऑफ पैकेज दिया था। उस टाइम लिन शिन के डैड फाइनेंशियल डायरेक्टर थे, उन्होंने वर्कर्स को पैसे दिए ही नहीं, खुद ही हड़प कर लिए। इसी बात पे गुस्सा हो के एक फीमेल वर्कर ने हान फैमिली से रिवेंज लेने का सोचा और उसने लुहान को किडनैप भी किया। मतलब कि सारी गलती लिन शिन के डैड की है, वो एक करप्ट इंसान है। जब लुहान के डैड को सच पता चलता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। लेडी हान अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आंशु ने हमारे बेटे की 2 बार जान बचाई है। आंशु कहती है कि आंटी जी, आपने भी मेरी मॉम की जान बचाई है, मैं आपकी एहसान मंद हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। लुहान उससे कहता है कि रुको लड़की, कहाँ जा रही हो, मैं फिर से एलर्जिक हो गया हूँ, तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। मॉम कहती है कि हाँ बेटा देखो, मैं इसे छू भी नहीं पा रही, इसे फिर से वही मसला हो गया है, तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, जब ये ठीक हो जाएगा तब तुम चली जाना। झूठ, सरासर झूठ, ये माँ बेटा तो एक नंबर के नाटकखोर हैं, ये दोनों नहीं चाहते कि आंशु यहाँ से जाए। समझ तो गए होंगे आप लोग, मॉम आंशु को अपनी बहू बनाना चाहती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लुहान अपनी फीलिंग्स आंशु को बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आंशु खुश हो के कहती है कि हाँ तुझसे शादी करूंगी। फाइनली दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।